हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने गियर शिफ्टिंग के बारे में, अपनी बाइक की गियर शिफ्टिंग के बारे में, और प्रॉपर गियर शिफ्टिंग कैसे होती है, रेस में मतलब रेस वगैरह करते हैं तो उससे गियर शिफ्टिंग वगैरह कैसे होती है, और गाइस अगर गलत गियर शिफ्ट करते हैं तो उससे इंजन पर क्या असर पड़ता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज के ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो आज के ब्लॉग में हम थोड़ी सी राइड करेंगे, राइड करते करते आप लोगों से बातें करेंगे। ओके, अभी सीधा बाहर चलते हैं, बाइक को निकालते हैं। ये देखो, ये खड़ी हमारी तबाही। ओके, चलो अभी बाहर चलते हैं। तो अभी गाइस बाइक को निकालते हैं बाहर। तो बाइक बाहर आ चुकी है, अभी फटाफट गेट बंद करते हैं। तो गाइस अभी गाड़ी ऑन करके बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी ऑन करके निकलते हैं, अच्छे से लोकेशन ढूंढते हैं, वहाँ पर आगे का ब्लॉक करते हैं। ओके गाइस, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है ब्लॉक करने के लिए। धूप मतलब है, बट धूप तेज नहीं है। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारी बाइक मूवमेंट हो रही है। अब इसको बिल्कुल स्लो कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्लो। तो गाइस अभी मैंने बाइक रोक ही ली। ओके, यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी देख लो गाइस, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल न्यूट्रल पे है अपनी बाइक। ओके, अभी देखो फर्स्ट गियर डालते हैं। गाइज आपको सेकंड गेयर डालना है 15 पे। ओके, उसके बाद आपको थर्ड गेयर डालना है 25 पे। बिल्कुल स्मूथ चलानी है तो ये करना पड़ेगा, और अपने को फोर्थ गेयर डालना है अपने 35 पे। आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बिल्कुल प्यार से गेयर शिफ्टिंग करनी है। आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, बिल्कुल गेयर बिल्कुल जो है ना बहुत प्यार से डालते हैं। अगर गाइस गेयर गलत तरीके से डालते हैं तो डायरेक्ट इंजन पे जोर पड़ता है, बहुत गुंडा जोर पड़ता है। अभी अपने अमन बाग की साइड चलते हैं, ये थोड़ा ऑफ रोडिंग एरिया आ गया। गाइस जब ऑफ रोडिंग एरिया मतलब इस टाइप का मिट्टी टाइप का एरिया है तो आपको अपनी बाइक को रखना है फर्स्ट गियर में। ओके, अब ये सेकेंड गियर उठाना है। देखो बाइक की आवाज़ आप सुन सकते हो, देखो सेकंड गियर में आराम से चल जाएगी गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। ये देखो, ये एक तरह से ऑफ रोड ही हो गई गाइस। ये देखो सेकंड गियर में आपको मतलब सेकंड गियर निकालना नहीं है, फर्स्ट गियर में तो गाड़ी थोड़ा ऐसे इंजन पे लोड पड़ेगा, इसलिए सेकंड गियर में आराम से डाल के आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, कोई नुकसान नहीं होता। ऑफ रोडिंग करने का भी बहुत ही अलग ही मज़ा है। ओके, तो अभी यहीं पे एक बार रुकते हैं। हे गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने अमन बाग की साइड में, और हे इस तबाही बहुत ही प्यार लग रही है गाइस। और पीछे दो तीन जने बुलेट से थोड़ा हरकतें वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा शो ऑफ बोलते हैं इसको। तो गाइस अभी उनको इग्नोर करो, बैक साउंड आप लोगों को आएगा तो उसको इग्नोर करना। बाकी गाइस अपनी तबाही को देखो, बहुत ही मस्त प्यारी सी लग रही है। और अभी मैं आपको बताता हूँ इसके गियर शिफ्टिंग का। ये देखो गाइस, सबसे पहले तो ये देख लो आरएस में ना, ये बढ़िया चीज़ है, मतलब शायद तक हर बाइक में आता है बट मैंने आरएस में देखा है। ये देखो यहाँ पे अपने को गियर के सारे सिस्टम दे रखे हैं, फर्स्ट नीचे, फिर हल्का सा ऊपर करती है न्यूट्रल, ठीक है, फिर ऊपर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, फिर फिफ्थ, सॉरी फिर सिक्स। ओके, तो ये देखो ये थोड़ा सा हिल रहा है। ये देखो गाइस मेरी बाइक का जो ये मतलब एक साइड में बाइक गिरी थी, ऐसे गिरी थी, इस कारण है ना ये बिल्कुल अंदर की साइड चला गया था, और मैंने इसको थोड़ा सही करवाया है, इस कारण यहाँ से थोड़ा जंग वगैरह उतर रहा है, दिख रहा होगा आपको ये जंग वगैरह उतर रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया था। ये देखो इस कारण ये हिल रहा है, बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और देखो गाइस मैं ना आप लोगों को ये चीज बताने वाला था कि अपन बाइक को ऑन करते हैं, मतलब दो तीन दिन तक बाइक खड़ी रहती है, अपन उसको एकदम से ऑन करते हैं ना और फिर तेज तेज वो देते हैं, एक्सीलेटर कर देते हैं इससे, मतलब बाइक को रैम करते हैं ना, तो गाइस यहाँ पे जो क्लच प्लेटें होती है ना, जो इंजन ऑयल की क्लच प्लेटें होती हैं, उनमें ना मतलब ऑयल बहुत नीचे पड़ा हुआ होता है, तो आप लोग एकदम से खींचते हो ना जिस वजह से वो एकदम से पूरा ऊपर आता है और इंजन पे बहुत ही ज़्यादा वो होता है गाइस, नुकसान होता है। इसलिए जब भी बाइक ऑन करो दो तीन दिन बाद या फिर एक डेढ़ दिन बाद, तो ना गाइस बाइक को धीरे धीरे चलाओ, मतलब बिल्कुल ऐसे तेज रैम मत करो, क्योंकि इंजन ऑयल होता है यहाँ पे होता है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। अभी मेरी बाइक में तो फुल है इंजन ऑयल, मुझे डराने की ज़रूरत है नहीं। तो गाइस इंजन ऑयल ना यहाँ पे होता है, तो गाइस इंजन ऑयल ना यहाँ तक होता है, यहाँ एक लेवल तक, ये देखो ये बना रखा है, अभी इंजन थोड़ा सा गर्म है, यहाँ एक लेवल तक होता है। तो गाइस इंजन ऑयल को ना ऊपर आने में धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे जो क्रिस्टल्स वगैरह होती हैं उनमें धीरे धीरे इंजन ऑयल लगता है, क्योंकि बाइक इतने दिन से खड़ी रहती है तो वो ना ऑयल पूरा नीचे चलाता है, बाइक के इंजन ऑयल को ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगता है। और गाइस हम लोग एकदम से रैम वगैरह करते हैं ना, इससे बाइक के इंजन में बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह पड़ता है। और गाइस बाइक जब भी उठाओ ना बिल्कुल धीरे धीरे रैम करो, मतलब एकदम से पूरा रैम मत करो, और गियर में बिल्कुल धीरे धीरे चलाओ अगर आपको बाइक बहुत ही स्मूथली चलानी है तो गाइस। और अभी आप लोग इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनो, मैं अभी इसको स्लो ही चला रहा हूँ गाइस, इस कारण मैंने इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ अभी तक वैसी ही है। कई लोगों की ना बाइक की एग्जॉस्ट की आवाज़ चेंज हो गई, कि देखो हल्का हल्का रैम करते हैं इसको, इसमें एग्जॉस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो गाइस, इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं है, और यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस कारण गाइस जो RS राइडर्स वगैरह होते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम ना आए, और जिनको भी जानकारी चाहिए उनको जानकारी मिल जाए, ये सब आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ गाइस। तो गाइस हमारे चैनल पे व्यूज़ वगैरह जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे व्यूज़ आ जाएंगे। और अब मैं ऐसे एक दो दिन का गैप वगैरह नहीं लूँगा, तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। और देखो पीछे दो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं साइकिलों से, बाइक को नोटिस कर रहे हैं और मेरे को नोटिस कर रहे हैं। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, बाकी जिसको भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे को कमेंट करना, और गाइस वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले ऐसे किसी मस्त प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।